हाँ बिल्कुल हम समझ गए, क्योंकि कम रामायण पढ़ी ना। अरे प्रभु, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब पहली बात तो आप शब्दों की मर्यादा गंभीर करो, हम बाबू तो हैं। गुरुजी। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम के नाम के चर्चे आज देश विदेश में हो रही है। क्या है ये बागेश्वर धाम? आखिर क्या है बागेश्वर धाम की सच्चाई? क्या आपके मन में भी ये विचार आया है कि क्या है सच्चाई बागेश्वर धाम की? अरे हाँ भाई हाँ। तो आज आपका ये विचार आपके मन से दूर होने वाला है। हम आपको बागेश्वर धाम की पूरी सच्चाई बताएंगे। हम आपको बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार के पीछे का पूरा सच आपके सामने रखने वाले हैं। बागेश्वर धाम के चर्चे पूरे देश में कैसे हुए और क्या रहस्य है बागेश्वर धाम के मंदिर की, आज हम आपको सारे सच्चाई से रूबरू कराने वाले हैं। तो आंखें गड़ाए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, श्री बालाजी बागेश्वर धाम के चमत्कार की आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत चर्चा है। लेकिन बहुत से लोग बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार के सच्चाई नहीं जानते हैं। बागेश्वर धाम की सच्चाई की अगर बात करें तो हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको आज पूरे देश में बालाजी सरकार के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म छतरपुर के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में ही हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पूरे देश में एक महान विद्वान और गुरु के रूप में जाना जाता है? उसके पीछे की सच्चाई क्या है तो हम आपको बता दें, बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भगवान शिव के अवतार हनुमान जी के परम भक्त हैं। उन्होंने 12 साल की छोटी उम्र से ही बालाजी की सेवा प्रारंभ कर दिए थे। उनकी इसी तपस्या का प्रभाव है कि वो आज किसी भी व्यक्ति के कष्ट को उसके बिना बताए पर्चे में लिख देते हैं। वो यहाँ तक बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द 100% सत्य होता है। आज तक कोई भी उन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया है। आपने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बारे में अवश्य ही सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस भी व्यक्ति की अर्जी को श्री बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 दिन सपने में बंदर दिखाई देते हैं। What? सपने में बंदर दिखाई देने वाली बात बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों की अर्जी स्वीकार हुई है उनको सपने में बंदर अवश्य ही दिखाई दिए हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले बागेश्वर महाराज जी की और उनके दिव्य दरबार की शक्तियों के बारे में जानने के लिए उनके दरबार में पहुंचे, लेकिन बागेश्वर बालाजी की कृपा से बागेश्वर महाराज जी ने खुद मीडिया वालों की पोल खोल दी और मीडिया वाले अंत में बागेश्वर धाम में नतमस्तक होकर वापस लौट गए। साथ ही वे बागेश्वर बालाजी सरकार से आशीर्वाद भी लेकर गए। बागेश्वर महाराज जी ने बालाजी भगवान की कृपा से हजारों भक्तों का भला किया है और वर्तमान में बागेश्वर महाराज जी विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। बागेश्वर बालाजी सरकार की महिमा अपरंपार है। वैसे तो बालाजी सरकार की ऐसी कृपा है कि बागेश्वर धाम में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। बागेश्वर बालाजी उनकी झोली हमेशा भरते आए हैं और भरते रहेंगे। इसी के साथ ही बागेश्वर महाराज दूसरे जिलों या अन्य राज्यों में अपनी कथा करने और दरबार लगाने के लिए जाने जाते हैं, तो वहाँ भी बड़े बड़े मीडिया कर्मी और पत्रकार बागेश्वर महाराज जी की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन बागेश्वर महाराज जी की तरफ से पत्रकारों को चैलेंज दे दिया गया और उस चैलेंज में पत्रकारों को हार का सामना करना पड़ा और अंत में पत्रकारों को बागेश्वर महाराज और बालाजी के चरणों में नतमस्तक होना पड़ा। बागेश्वर धाम भारत और विश्व का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार की कृपा है। बागेश्वर धाम की पुजारी पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग जी हैं। ये भारत का एकमात्र चमत्कारी धाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को हिला कर रख दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है। बागेश्वर धाम की महाराज पर बालाजी की कृपा है जिससे महाराज ये सब बड़े ही आसानी से कर पाते हैं। इसके पीछे बागेश्वर महाराज का कठोर परिश्रम है और यही बागेश्वर धाम की सच्चाई है। दोस्तों बता दें, बागेश्वर धाम का इतिहास बहुत पुराना है। बागेश्वर धाम की सच्चाई या सच ये है कि लोगों की मान्यताओं के आधार पर बागेश्वर धाम मंदिर चंदेलकालीन है और सन 1986 में ग्रामवासियों के द्वारा मंदिर का चीर्णोद्धार किया गया था और उसके उपरांत ग्राम गढ़ा के बाबा सेतुलाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गांव गढ़ा में प्राचीन कालीन मंदिर पहुंचे। उसके बाद वे राम कथा के साथ साथ झाड़फूक का काम करने लगे
और इस तरह बागेश्वर धाम चर्चित होने लगा और कई बार विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें बागेश्वर धाम की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का जन्म 4 जुलाई 1996 को गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ। लोग इन्हें महाराज बागेश्वर धाम के नाम से तथा चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में ही अपना दरबार लगाते हैं तथा लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। बागेश्वर धाम महाराज ने बचपन से ही रामायण महाभारत जैसे काव्यों का अध्ययन किया। इसके बाद इन्होंने वृंदावन में जाकर आगे की पढ़ाई करने की कोशिश की लेकिन गरीबी की वजह से वे वृंदावन में आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए तो उन्होंने बागेश्वर धाम में स्थित हनुमान जी के मंदिर में ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा दिव्य दरबार में ये हर मंगलवार को अर्जी लगाते हैं जहाँ पर ये लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। लोग अर्जी लगाने से पहले यहाँ के टोकन को खरीदते हैं और उसके बाद नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं और यहाँ अर्जी लगाने के लिए कई सारे लोग अलग अलग जगह से आते हैं और उसके बाद बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में जाकर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के प्रवचन सुनते हैं। तो दोस्तों अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि बागेश्वर धाम कोई पाखंड नहीं है बल्कि आस्था से भरा हुआ स्थान है जहां पर लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। वैसे दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।